दोस्तों, कोरोना वायरस से तो इंडिया जूझ ही रहा है, लेकिन अब एक और नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। ये है टिड्डियाँ। हरे भरे खेतों को देखते ही देखते चट कर जाने वाली टिड्डियों ने देश के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम यूपी में इनकी समस्या गंभीर रूप लेते जा रही है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देश के 12 राज्यों में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इस गंभीर समस्या के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, साथ ही इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, निक नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में टिड्डियों की केवल 6 प्रजातियां ही पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से जिसे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है वो है रेगिस्तानी टिड्डा। यह प्रवासी कीट है और इसकी उड़ान 2000 मील तक पाई गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये टिड्डी दल और भारत में ये कैसे पहुंचा। दोस्तों, टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मेन रीज़न ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। ज़्यादातर टिड्डियाँ साउथ ईरान, साउथ वेस्ट पाकिस्तान और अरब देशों के रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होती हैं। यह इनका स्प्रिंग ब्रीडिंग एरिया है। यहाँ से टिड्डियों के कुछ दल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया की ओर उड़ जाते हैं। इनका समर ब्रीडिंग एरिया पाकिस्तान का थार इलाका है, जहाँ से जून जुलाई के महीने में ये भारत में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, उत्तरी हिंद और अरब सागर में 2018 में आए साइक्लोन्स की वजह से सऊदी अरब के वेदर में भारी फेरबदल हुआ था। वहां बारिश के बाद रेगिस्तानी इलाकों में भी पानी भर गया था। यह वही अरब रेगिस्तान है जहां टिड्डी पाई जाती थी, पर इस भयंकर क्लाइमेट चेंज के बाद वहां काफ़ी संख्या में टिड्डी दल पनपने लगे। ये टिड्डी दल अरब से यमन और ओमान पहुँच गए। वहाँ भी बारिश ने टिड्डी को पनपने का मौका दिया और इस तरह से पाकिस्तान के रास्ते ये भारत में पहुँचते हैं। जोधपुर के लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में ये मानसून से पहले अपनी ब्रीडिंग करने आते हैं। भारत के बाद फिर ये टिड्डी दल गल्फ, ईरान और अफ्रीका की तरफ लौटते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये हनीमून ट्रिप पर भारत आते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और फसल बर्बाद करके चले जाते हैं। आइए इन टिड्डियों के लाइफ साइकिल को समझते हैं। दोस्तों, टिड्डियों के लाइफ साइकिल के 3 स्टेज होते हैं, एग, न्यू बॉर्न बेबी एंड एडल्ट स्टेज। एक फीमेल टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है और एक बार में 100 से 150 अंडे तक ये देती है। टिड्डियों के मात्र 1 वर्ग मीटर में ही 1000 अंडे हो सकते हैं। ये अपनी दुम नम रेतीली जमीन में घुसाकर लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई पर अंडे देती है। फिर 10 से 12 दिनों में अंडों से शिशु टिड्डियाँ निकलती हैं। अंडों से निकलने के बाद ये पंखहीन सफ़ेद शिशु टिड्डियाँ पेड़ पौधों और वनस्पतियों की तलाश में जमीन की सतह पर चलने लगती हैं। 1 महीने के बाद ही ये टिड्डियाँ वयस्क हो जाती हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 महीनों का होता है और इन कीटों का साइज 2 से 2.5 इंच का होता है। दोस्तों, अभी जो टिड्डियां भारत में आई हैं उनमें ज़्यादातर पिंक कलर की हैं। वे जब तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाती तब तक ये येलो कलर की नहीं होंगी, यानी जब ये पीले रंग की हो जाती हैं तभी अंडे देती हैं। पिंक टिड्डी को मैच्योर होने में 1 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद ही इन्हें अंडे देने में भी करीब 1 महीने का वक्त लग जाता है। फिर अंडे विकसित होकर बच्चे बनते हैं। अंडे देने के पहले ये वापस रेगिस्तानी इलाकों में लौटने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इनके बच्चों को डेवलप होने के लिए गर्म जलवायु और बलुई मिट्टी वाली जगह की ज़रूरत होती है। भारत और पाकिस्तान के थार का इलाका इनके लिए बहुत ही अनुकूल होता है। अगर ये मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अंडे देंगी तो बच्चे मर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये टिड्डियाँ कितनी खतरनाक हैं और फसलों को किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती हैं। दोस्तों, टिड्डियों का दल एक दिन में लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकता है। ये दल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। ज़्यादातर टिड्डियाँ दिन भर उड़ती रहती हैं और रात के वक्त खेतों में लहलहाती फसलों पर हमला बोलती हैं। इनके एक दल में लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डियाँ हो सकती हैं। प्रत्येक टिड्डी का वजन लगभग 2 ग्राम होता है और हर टिड्डी अपने शरीर के वजन के बराबर या इससे अधिक मात्रा में अनाज खा जाती है। सिर्फ एक रात में ही टिड्डियों का एक दल 35,000 लोगों के भोजन जितना अनाज खा सकता है। दोस्तों, टिड्डियां भोजन की तलाश में नमी वाले इलाकों की ओर बढ़ती हैं और ऐसे में इन इलाकों पर टिड्डियों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हरी सब्जियों और फलों को इनसे काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। आइए इस चार्ट की मदद से समझते हैं कि भारत में कब कब इन टिड्डियों का हमला हुआ और इससे अब तक कितना नुकसान हो चुका है। दोस्तों, ये रिपोर्ट लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इस संगठन का अनुमान है कि 1926 से 31 के बीच टिड्डियों के हमले से लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 100 साल के दौरान सबसे अधिक है। इसी तरह 1940-46 एंड 1949-55 के दौरान 2 बार टिड्डियों का हमला हुआ और दोनों ही बार लगभग 2-2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 1959-62 के चक्र में केवल 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद 1978 और 1993 में भी टिड्डियों का हमला हुआ
और 1993 में लगभग 75 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्ति महाराष्ट्र को उठानी पड़ी थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये टिड्डी दल करोड़ों की संपत्ति का विनाश कर चुके हैं। ये जहाँ से भी गुजरते हैं फसल पूरी तरह चौपट कर देते हैं, यानी किसी भी कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुँचा सकते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार ये विश्व के लगभग 60 देशों में अपना कहर बरपाते हैं। ये संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 10वें हिस्से की रोजी रोटी छीन सकते हैं। इस समय भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में अवयस्क टिड्डी यानी पिंक कलर की टिड्डी मौजूद है, और यही अवयस्क टिड्डियां ही भारत में फसलों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, जबकि पीली टिड्डियां अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचाती हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस बार टिड्डियों ने 60 से 70 हज़ार हेक्टेयर फसल अब तक चौपट कर डाली है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से उपायों से इन टिड्डियों को भगाया जा सकता है या इन्हें खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, टिड्डियां रात के वक्त फसलों पर बैठती हैं और सुबह तक खाती रहती हैं। ऐसे में ज़्यादातर किसान टिड्डियों को भगाने के लिए देसी तरीके अपना रहे हैं। इनमें शाम के वक्त खेतों में धुआं करना, थाली, ड्रम, ढोलक आदि बजाना इनके परंपरागत तरीके हैं। टिड्डियों का दल आवाज़ के कंपन को महसूस करता है, इस कारण आजकल इन्हें भगाने के लिए डीजे का भी प्रयोग होने लगा है। यह शोर को दूर से ही भांप कर अपना रास्ता बदल लेते हैं या खेतों से उड़कर दूर चले जाते हैं। टिड्डी दल खाली पड़े खेतों में अंडे देते हैं, और इस समय खेत में कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर अंडों को नष्ट किया जा सकता है। खेतों में पानी भर देने से भी इनका सफाया हो सकता है। इसके अलावा इनकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। इनको मारने के लिए मेलेथियन, क्लोरोपायरीफस, डेल्टा मैथ्रिन, हेस्टाबेटामिल और बेंजी एक्स्ट्राक्लोराइड जैसे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। कृषि विभाग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में ये पेस्टिसाइड्स डालकर जगह जगह छिड़कवा रहा है। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर ऐसे उपाय करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन प्रभावी तौर पर सिर्फ केमिकल से ही इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब ये करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ आती हैं तो उन्हें रोकने का कोई और उपाय कारगर साबित नहीं होता। वैसे दोस्तों, चाइना, इजराइल और अफ्रीका के कुछ देशों में भोज पदार्थों के रूप में अपनाकर इनकी भारी संख्या पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई है। ऐसी जगहों पर इन टिड्डियों से तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इन पर नियंत्रण पाने का एक इनोवेटिव आइडिया खोज निकाला है। वे इन टिड्डियों को चिकन फीड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। चिकन फीड के रूप में सोयाबीन का इस्तेमाल अधिकतर होता है, जिसमें 50% प्रोटीन होता है, लेकिन टिड्डियों में प्रोटीन की मात्रा 70% तक होती है, और इसलिए इस तरह से इनका कंजम्पशन करना ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। इसके लिए वहाँ के किसान रात में इन टिड्डियों को पकड़ते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा 1 किलो टिड्डी के एवज में उन्हें 20 पाकिस्तानी रुपया दिया जाता है, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 9 रुपीज़ पर किलोग्राम। RSS ने भी पाकिस्तान के इस आइडिया को भारत में अपनाने की अनुशंसा की है। तो दोस्तों, भारत में टिड्डियों का खतरा अभी टला नहीं है। टिड्डियों को अंडे देने में अभी 1 माह का वक्त और लगेगा, और इन्हें इसी दौरान प्रभावी रूप से ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे में किसानों के पास सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, क्योंकि इनका दूसरा हमला अगस्त से सितंबर में हो सकता है, जब अंडों से निकल कर ये टिड्डियाँ दोबारा पूरी तरह से विकसित होकर अनाजों के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए सरकार का पूरा ध्यान जून जुलाई में मानसून आने के पहले इनका प्रकोप रोकने पर है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो खरीफ की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों, टिड्डियों के विषय में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल निक नॉलेज को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं जहां इन टिड्डियों के हमले के दौरान सरकारी मदद देरी से पहुंच पाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से किसानों को इन कीटों से बचने के उपायों से अवगत कराएँ। धन्यवाद।